नमस्कार बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं 10 का डिविजिबिलिटी टेस्ट। जितने हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट अभी तक सीखे हैं उन सभी में सबसे आसान है 10 का टेबल। देखो कैसे, 10 का टेबल पढ़ो, बोलो 10 एकम 10, 10 वन द 10, 10 टू द 20, 10 थ्री द 30, 10 फोर द 40, 10 फाइव द 50, 10 सिक्स द 60, 70, 80, 90, 100। अगर 15 के पहाड़े में करे तो 15 द 150, 18 के पहाड़े में करे 18 10 द 180, 29 के पहाड़े में करेंगे तो 29 10 द 290। इसका मतलब 10 में देखो हमेशा ही यूनिट प्लेस पर क्या रहा है, जीरो। तो इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी नंबर 10 से डिविजिबल होगा यदि उसके यूनिट प्लेस पर है क्या है, जीरो है। तो देखो मैं आपको कुछ संख्याएं बताता हूँ, आप खुद से ही बता दोगे ये तो फटाफट से कि ये 10 के टेबल में डिविजिबल है या नहीं है। 2 3 5 6 7 8, 4 0 8 5 6 9 0, 2 3 0 4 0, 5 1 6 4 5। देखो पहले वाला यूनिट प्लेस पे है 8, तो ये 10 से डिविजिबल नहीं है। सेकंड नंबर यूनिट प्लेस है 0, ये 10 से डिविजिबल है। थर्ड नंबर ये यूनिट प्लेस पे है 0, ये भी 10 से डिविजिबल है। फोर्थ नंबर यूनिट प्लेस पे है 5, ये 10 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि यहाँ 0 नहीं है। तो सीधी सी बात है, जिसके यूनिट प्लेस पे 0 होगा वो 10 से डिविजिबल है, जिसके यूनिट प्लेस पे 0 नहीं होगा वो 10 से डिविजिबल नहीं है। ये तो सबसे ही सिंपल है। आशा करता हूँ ये सिंपल सा वीडियो, सिंपल सा कॉन्सेप्ट डिविजिबिलिटी बाय टेस्ट आपको अच्छे से समझ आया होगा। यदि बच्चों ये आपको समझ आया तो प्लीज़ 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 हमारी इस मेहनत को थोड़ा सा लाइक कर दिया कीजिए। जब आप लाइक करते हैं तो हमें ये मैसेज मिलता है कि आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं, समझ आ रहे हैं, और हम उससे उत्साहित होकर और मेहनत से वीडियोस बनाते हैं। धन्यवाद।